नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को भी सोना बना देता है। माना जाता है कि यह एक ऐसा पत्थर है जिसके प्रयोग से कई राजाओं ने लोहे को भी सोने में बदल दिया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर ये पारस पत्थर कहाँ से आया था और अब कहाँ है। क्या पारस पत्थर समुद्र मंथन से ही निकला था या फिर इसका कोई और रहस्य है? आज हम आपको पारस पत्थर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके छूते ही लोहा भी सोने में बदल जाता था। दोस्तों, पारस पत्थर के बारे में कई अलग अलग किंवदंतियां हैं, साथ ही कई लोग इस बात का दावा भी करते हैं कि राजस्थान का एक किला है। इस किले के पास एक मंदिर स्थापित है जहां पर एक झील बनी हुई है। माना जाता है कि आज भी इस मंदिर के पास बनी झील के अंदर वह पारस पत्थर मौजूद है। लोगों का ये भी कहना है कि राजस्थान के एक किले के राजा रायसेन के पास ही वह पारस पत्थर मौजूद था। वह अक्सर लोगों से कर के रूप में पैसे नहीं बल्कि पुराना लोहा लेते थे और इस लोहे को पारस पत्थर की मदद से सोने में बदल देते थे। राजा रायसेन के पास बहुत सा खजाना होने के कारण एक दिन उनके किले पर आक्रमण हुआ। बताया जाता है कि पारस पत्थर को बचाने के लिए राजा ने उसे अपने पुरोहित को दे दिया था। पुरोहित ने राजा द्वारा दिए गए पारस पठार को एक साधारण पत्थर समझकर झील में फेंक दिया था। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने पारस पत्थर की खोज में हाथियों पर लोहे की जंजीर लटका कर इस तालाब में उतारा। काफी देर तक पारस पत्थर की तलाश की गई। इसके बाद जब हाथ इस तालाब से बाहर आए तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी के होश उड़ गए। दरअसल एक हाथी पर लगी लोहे की चैन सोने में तब्दील हो चुकी थी। इसके बाद फिर से तालाब में पारस पत्थर को ढूंढा गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पारस पत्थर उनके हाथ नहीं लगा। माना जाता है कि आज भी ये पत्थर इस झील में मौजूद है, जिसको ढूंढने आज भी कई लोग यहाँ आते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस किले के आसपास से आज भी सोना मिलता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि इस किले की मिट्टी सोना उगलती है। पारस पत्थर के बारे में एक किंवदंती ये भी है कि कहा जाता है कि पारस पत्थर मध्य प्रदेश के रायसेन के किले में आज भी मौजूद है। जो भी इस किले के अंदर पारस पत्थर की तलाश में जाता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वही कहते हैं कि पारस पत्थर भगवान विष्णु के पास था, जिसे एक राजा ने तपस्या करके भगवान विष्णु से प्राप्त किया था। दोस्तों, पारस पत्थर का वर्णन केवल हिंदू मान्यताओं में ही नहीं हुआ बल्कि अन्य धर्मों में भी पारस पत्थर के होने को माना गया है। लेकिन क्या वाकई में पारस पत्थर था जिसकी मदद से राजाओं ने लोहे को भी सोने में बदल दिया था, या फिर लोहे को सोने में बदलने की कोई रासायनिक तकनीक थी? पारस पत्थर आज भी एक रहस्य बना